बेटा नरेश। हाँ पापा। तू बेटा जल्दी से तैयार हो जा। ठीक है। तो आपने मंत्री जी है ना? हाँ। माने 8 बजे बुलाया बंगला पे। हाँ। तो वहाँ जानो है ना, तो रास्ता में तने भी छोड़ दूंगा। ठीक है। अरे नरेश की माँ। हाँ जी। अरे मारी पगड़ी दे दो ना मासू। बेटा बापूजी की पगड़ी अलमारी में से निकाल के दिए तो। दे मम्मी। ले रहा बेटा, फटाफट ले रहा। एक एक ने घसीट के ले क्या उस सारा ने आग में दम कर रखे हैं। सरपंच थारे गांव को मारे खिलाफ शिकायत लेकर मंत्री जी के न गया था भानुराम जी। सुनो भानुराम जी, मैं थाने कहो ना कि मारे आतंक शू थाने राम भी कौन बचा सके। मंत्री जी तो बहुत छोटा है। मैं मंत्री जी बता दिया माना कि भानुराम जी आ रहे हैं। अरे शिकायत लेकर गया था। ते क्यों आपनी जान का दुश्मन बन रहे हो भानुराम जी? थे क्यों थारे लोगाई टावरा ना नाथ बनाने पे तुले हो? सही क्यों ना रहे हैं? मारी थारों कोई दुश्मनी को नहीं है। क्या बोले हो? दुश्मनी को नहीं है। चुपचाप बां कागजा पे दस्तखत कर दियो। थे भी सुखी, मैं भी सुखी। कागज लेके आ रहे। भानुराम जी, सारी बातों में मत आजो। है सारी कांवरी जमीन हड़पना चावे है। क्यों भूख लाग रही है के मनवार करवानी पड़ेगी के? चलो लो चिड़ी बैठाओ। मुन्ना आ जमीन रामगढ़ गांवरी जमीन है। रामगढ़ गांवरी पूरे गांव ने मारे ऊपर भरोसा कर गांव की जिम्मेदारी रूपी पगड़ी या पहनाई है। सुन मारी जान चली जावे पर मारी या पगड़ी पर आज को नहीं आवाती हूं, क्योंकि यह पगड़ी को नहीं रामगढ़ गांव की आबरू है। आबरू कोनी माने भाई हो तो कोनी माने हैं? रामगढ़ियो थारो सरपंच मान रहे हो कोनी है? खुदकुशी करना चाहे हो? अब कोई मरनो चाहे भी न कौन बचा सके? देख सरपंच, तेरे मरने के बाद में कोई ना कोई दूसरो सरपंच बन जासी और मारे कागजा पे तो साइन करी देसी। क्यों इब तो सरपंच जी या लड़ाई आन बान शान की होगी है नी? कोनी मानो थे गुंडी फसगी। अब थे थारी पगड़ी उछलन कौन दे और मैं मारी बात कौन जान दे? इनको फैसलो तो करना ही पड़ेगा ना रे। क्यों चलो हटाओ आरे चौधरी की पगड़ी ने इतना ऊंचा उछाड़ो कह की आन हाली 7 पुस्तकों को घमंड जद मारे पैर में की पगड़ी पड़े तो चूर हो जावे। और चौधरी जी को है ना जिंदगी भर पगड़ी पहनने से कतरावे। इज्जत रूपी पगड़ी पर आई है। तुम्हारी पगड़ी पगड़ी
अरे मारी पगड़ी दे दे भाई। उड़ रहे तू और मारे काम में दखल देने को मतलब समझे के? जान से हाथ धो बैठे गो। अरे मार भी ने। अरे राम करो, एक एक करके केला लग रहा हूं, सारा तोड़े ने। लगे मम्मी झाड़ो पड़ेगा। सुनो ए, कौन है तू? सागर, सागर नाम है मारो। प्यार से राखो तो गागर में समा जाऊं, और जे गुस्सो दिलायो तो सुनामी बन के खा जाऊं। है यो पेशेंट कोमा में है, कुछ भी कहना मुश्किल है। पेशेंट कोनी यो मेरो भाई है, यानी कि ग्रामीण मंत्री भैरव सिंह रो भाई। कुछ नहीं होना चाहिए इन्हें। जी मंत्री जी, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, पर सब भगवान रे हाथ में, कंडीशन क्रिटिकल है। जो कोई मेरे भाई रो यो हाल करियो है, मैं बिने छोड़ू कोनी। खुले आम गुंडा घूम रहा है, कानून व्यवस्था है कि मजाक है? अरे जब मंत्रियों का भाई सुरक्षित को नहीं, तो आम आदमी की तो औकात ही क्या है? अगर मेरे भाई ने कुछ हो गयो तो मैं एक एक ने छोड़ू को नहीं। क्यों हो बैठो, थोड़ो धीरज रखो, सब ठीक हो जासी। मंत्री जी, सारी तरफ पुलिस ढूंढ रही है, सब ठीक हो जावेगो। सब ठीक हो जावेगो? अस्पताल में जाकर मेरे भाई मुन्ना ने देख के आ रहे हो, बहुत तक नहीं खोल पा रहे हो है। थोड़ा धीरज रखो, अब आज 24 घंटे तो हुए हैं। 48 घंटा तक इंतजार करूं? अरे मेरे भाई मुन्नो, जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहे हो है, एक एक पल गुजारो बहुत दूर हो रहा है। कम्मा घड़ी हुकुम। कम्मा घड़ी, क्या खबर है? अस्पताल से खबर आई है कि छोटा हुकुम को नहीं जा रहा। हुकुम, यूं क्या कर रहे थे? मेरे भाई मुन्ना की मौत की खबर देवणियों को यूं ही हाल करूंगा मैं। सुन डीजीपी, वो छोरा चाहिए मने जीव, तो वो मिल जावे तो मारे कने लाऊ ने। कोई कोर्ट कचहरी नहीं, मैं कोर्ट मैं कचहरी, फैसला सिर्फ मेरे रहेगा। और मेरो फैसलो यो है कि डिक्की पोटी पोटी करके कुत्ता नहीं खिलाऊंगो। चलो रे ढूंढो, लुक जाओ लुक जाओ, कटे लुक जाओ, चलो कटे क्यों भागियो, अरे ऐसे कटे होगा। वो बिलांत को छोड़ो, नाक में दम कर दियो है। एक बार मिल जाओ फिर देख के हाल करूं बी को मैं। कौन है ये और थारे पाचे क्यों लाग रहे हैं? पहले यह बताओ थे क्यों लुकियोड़ा था थे? अरे मारे पाचे तो पुलिस लाग रही है, पर तू कौन है? मारा नाम नदीम है, मैं बीकानेर को रहने वाला हूँ। मारो बाप मारी माँ की बहुत पिटाई कर तो मैं मीने बहुत समझाने की कोशिश की,
पर वो मने भी मार के घर से बाहर निकाल दियो। मैं घर से भाग के गाड़ी में बैठी हूँ। तब बैठे मने एक आदमी मिलियो जो ट्रेन में मैंने नशे को बिस्कुट खुआ के बेहोश कर दियो लागे तो एक और उठा के ले गयो। जब मेरी आँख खुली तुम्हें देखियो कि बड़े और भी बच्चा है। बच्चा ने अगवा करके भी से भीख मंगवाने को धंधो करे है। एक दिन मोको देखे मैं बटे से भाग आयो और अच्छे पूछ गयो। अच्छा लोगन तो जेल के पाचड़ी नोनो चाहे तू मन बा जगह दिखा सकेगे। बेड़ोक बहुत खतरनाक है थाने भी पकड़ ले सी। पकड़बा की बारी तो अब बाकी है तू तो बस मन बा जगह दिखा दे। तो चलो बना। जी हुकुम। मैं छोरिया ने ठीक तरह से समझा दियो है ना कि मंत्री जी के सामने कुछ नहीं बोल रहा है। जी हुकुम बाने समझा दियो है और मंत्री जी ने भी फोन कर दियो है। बहुत अच्छो फिर जाओ बाकी तैयारियां करो। जी है मारी लाडी इनके थारी बारी है यहाँ को तो पक्को जाप तो करना पड़ सी। बंगलो नंबर 52 नई बस्ती क्या हमारी आ जाओ थे एकदम कच्ची कौलिया है काले जोधपुर से उठाई है स्कूल जाता वक्त मैं सोचो पहले भगवान के भोग लगा दिया एर प्रसाद मैं खावांगा। थारी आई अदा तो माने मार जावे है वरना कंप्लेंटा कम कोनी थाने में थारी और अब की बार प्रसाद के सागे चढ़ावो भी कम दे रहा होते। के करा हुकुम आजकल लोग इतना कमीना हो गया है बच्चा पे दया ही कोनी कर। ओहो दया कोनी करे तो दया पैदा करो भाई है बाकी आंगलियां काटो बांगो गुर्दो बेचो खून बेचो आजकल तो शोक बिका है। है के बात कही हुकुम और धंधो तो माने बेरो ही कोनी तो इतने देखो। चलो फटाफट मैडम जी ने कौन खबर करी कौन थे और सीधा कहीं घुस गया थे। बंद करो आने मानव तस्करी के आरोप में पिछवाड़े पे जद हंटर पड़ेगा ना तो पता लगेगो कि आंखी करने की सजा के है। बेटा डरबा की जरूरत को नहीं है मैं आ गई हूँ ना जल्दी थाने थारे मम्मी पापा कने भेज देवांगा चिंता ना कर। हो गयो काम। जय श्री राम। मैडम जी ते मारा पर हाथ डालर ठीक को नहीं कर रहे हो मारी मुख्यमंत्री तक पहुँचे थारी भगवान ताई पहुँच होवे जाना के फर्क पड़े है आज थाने बचाओ बड़ा कोई को नहीं आवे थे निर्लजता से जवाब दे रहे हो थाने मन में पश्चाताप होना चाहे। अजय थोड़ा सा टावरा ने बचाकर थाने खुश होने की जरूरत को नहीं है मारा जिया भीखूमल और बेटिया ने बेचवा वाला ही देश के अंदर बाप कोणा कोणा में पड़ा है कतरा लोगा ने गिरफ्तार करोला थे। तो सुनो भीखूमल इस देश के कोणा कोणा में भी संतोष अहलावत दुर्गा बन के बेटिया ने बचाने के लिए पैदा हो रही है थारे जेल का लोग जो यो काम कर रहा है इसके कारण बेटी और बेटा में कितो अंतर हो रही है पतो है थाने थोड़े दिन में बेटी देख पाने तरस जाओगा ले जा रहे इन्हें पकड़ के आओ आपस सब मिलकर प्रधानमंत्री जी द्वारा जारी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना में शामिल हो जावा हर भीखूमल जी आपका राष्ट्र पाचा छोड़ दे एक सुरक्षित और सुखद भारत का निर्माण करा। आयो राम राम साहब ढाबो तारो है हाँ मारो ही है हाँ। इन्हें देख देखियो है क्या मुंडो डक्योड़े कहीं मालूम पड़े साहब ओ यो ही रहवे जी अगर दिख जावे जी तो थाने खबर कर बिल्कुल कर देंगे साहब ठीक है ना बिल्कुल कर देंगे चल भाई चलो राम राम साहब अलावा से खुद मौके पर पहुंचकर इस रैकेट का भंडाफोड़ किया। इस पूरे रैकेट के बारे में सूचना देने वाले अनजान आदमी का पता नहीं चला है पर कुछ तू बता चला है। मैंने तो समझ पुनिया ही बात किया दिखे है आज के जमाना में तो सागर जिया का लोग रहा ही कौन है। हाँ भाया वरना कौन दूसरा के लफड़े में पड़े है वो भी बिना अपनी पहचान बताया बात तो ठीक कह रहे हो। दाता हुकमरी याद आ गई भाई था एक ऐसा आदमी भगवान ही छोरे ने सही सलामत रखे सारे राजस्थान की पुलिस मिलके भी दो बिलान के छोरे ने कोनी लूट पाई लाना थे था पर हुकुम भी की शक्ल आज तक कोई को नहीं देखी बाकी बिना शक्ल के देखे ढूंढनो बड़ो मुश्किल है टेम तो लग से ढूंढ लश्या
लोग बस इतनो ही जाने हैं कि जद खुश होवे हैं तो गागर में समा जावे हैं और जद गुस्सो आवे हैं तो सुनामी बन के खा जावे हैं। छोटो मन्ने सीढ़ना सुने की आदत कोनी सागर चाहिए नहीं तो तारो थोबलो बिगाड़ दूंगा मुंह ढक करके छुपता फिरोगा सागर चाहिए मने सागर। रे भगवान आंसू का त्वचा छूट लो एक बार तो ईमा घुसो कड़े मर गयो यार वो मारो फोन भी को नहीं उठा रही है। मैं तो काल से बीमार हो गया है दस लाग रहा है ना। अच्छा हमारो तो फोन ही को नहीं उठा रही है थाने दस्ता तक नहीं खबर है भाई वाह आ खास है विक्की। चलो अपन चला दंगल में पहुंचड़ में लेट हो जाऊंगा कराऊंगा के अब राजेश जी बता सी फिर करंगा के या सोचो ए के कर रहे हो अठे साहब जी सिंगर पार्टी है लाल सोट जा रहे हैं कोई छोरो आया हो तो अठे मैं तो अठे ही बैठे हूँ साहब अठे कोई को नहीं आया ठीक है। अठे आए लोग हाँ मैं भी आई हूँ चलो सर आते ही शुरू कर देवांगा दंगल। हाँ चलो लड़ो अब ये कौन आगा आज अगर दंगल में परफॉर्मेंस नहीं हुई तो कंपनी की बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। बीआई या रिवाई कंपनी बंद करने की बात कर रहा है वो कारण भी आज ही होनो सिंगर ने बीमार आज ही पढ़नो तो अब सुन लो थारे माऊ एक जना ने गानो पढ़ेगो आज। हाँ। मैं गावंगा तो पहले राउंड में बाहर हो और गाड़ी में अठे बैठ जाऊंगा कदे ही तो अच्छी बात करिया करिया गाड़ी में तो बैठा ही। हाँ फिर इतनी दूर हांडने की के जरूरत है सही है और बेइज्जती होगी सो अलग बोलो तो मैं ट्राई करूं लाल सूट दंगल जा रहे हैं थे क्या प्रकट हो गया महाराज अब आर गाड़ी में चढ़िया तब तो कोनी अंदर बस लाल सोट का दंगल में जा रहे हो थारी बात सुनो मैं भी चढ़ गयो। अच्छा सुनो भाई साहब आ गाड़ी थारे बापू जी रिकोनी रोक रहे यही लाल सोट के दंगल में जाना हो चढ़ गयो भैया आदमी तो बढ़िया लगे कपड़ा लगता हूँ अच्छो आदमी है एक काम करो इंसानियत के नाते आने नीचे उतार चलो चल भाई चलो भाई नीचे बहुत चोरी चकारी हुए लोग लिफ्ट मांगे और बाद में लूट ले हुए। बहुत बहुत धन्यवाद तारो जो तू अट्ठा तक तो ले हो। अरे परेशान ना कर पहली दंगल में पहुँचने में बहुत परेशान हो रहा चलो चलो भाई जी सर थोड़ा दिमाग से काम लियो वो लाल सोट दंगल में जा रही है तो मैं आरती उतारूं। सर आपने सिंगर की जरूरत है और यो अरे मारी चीरमी सर ओ भाया हाँ भाई आदमी तो थे बहुत भला लाग रहे हो थे जाओ तो मैं थारी मदद कर सकूं। बोल थाने मारे खातर दंगल में गानो पड़सी क्यों भाई गानो ये तो मैं मारे खातिर गाऊंगो थारे खातिर क्यों अरे मारो मतलब गानो तो थारे खातिर ही है पर मारी कंपनी दी तरफ सु गानो पड़सी अब मारो गाबा में कोई मनी को नहीं। अरे भाई कंपनी री बेइज्जती मैं बिल्कुल को नहीं बर्दाश्त कर सकूं कंपनी री इज्जत रे खातिर मैं थारे पैर भी पकड़ सकूं प्लीज भैया ना पैर छोड़ यार पैर छोड़ पड़सी दंगल में प्लीज गड़ा ही पड़ गयो यार। अरे नहीं 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 सोचो ना आज रात ने दंगल है तभी तो उठे जा रहे हो ठीक है था थारी सारी बात मंजूर है पर मारी भी एक शर्त माननी पड़ी थारी कंपनी ने मारे वास्ते एक कैसेट निकालनी पड़ सी मंजूर। तो थारो नाम कही है नाम तो सागर है मारो पर यो म्यूजिक रे हिसाब ठीक को नहीं है जे मास्टर गीत होवे तो कहीं रहे। अरे भाई थारी सारी शर्त मंजूर है तू चल हां चल थारे कपड़े लत्ता री स्टाइल भी चेंज करनी पड़ सी। हां अरे यार जो चाहो कर स्टाइल भी चेंज करना तो कहीं रहे ऐसे तो चल। हां अरे मिल गया सिंगर अरे वो राजेश कटे अरे इतने गाड़ी चल रहे बड़ा के अरे हो बात के बात के आ गए हो अरे आप सगड़ा रो धन्यवाद जिका मने सिर आख्या पर बिठा राख्या है माँ सरस्वती और सावरिय सरकार की असीम कृपा से आज तक ई सुरा के दंगल में मैं ही जीत तो आयो हूँ और मन्ने लागे है कि आज भी कोई कोनी है
के है कोई? आओ आओ पधारो, स्वागत है। आजा आजा भाई आजा। आओ आजा आजा। अरे भगवान, इतनी भीड़। बड़ी खुशी की बात है कोई आयो। मरवा दिया। सेठ तू ही बचाए। जय हो। आए को मास्टर जी। जय गुरुदेव। ढोक था के सामने मारी काई औकात। था को आशीर्वाद हो तो मैं भी डालू। आसन ग्रहण करो। जय हो। चला हे सावड़िया दंगल शुरू करा। लाज राखिए। कोई गलती हो तो मन माफ कर दीजो। वाह गुरुजी का आशीर्वाद सुन। जो भी कुछ मैं गाऊं अगर चोखो लागो तो आशीर्वाद दीजो। राम राम। साजन आए सखी मैं काई करूं मनवा। थाल भरा गज मोतिया मैं ऊपर नैन धरा। साजन 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 मारो सावलियो सरकार। साजन 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 मारो सावलियो सरकार। 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 आओ घर पाछा कर दिल थारी मनुहार। आओ घर पाछा कर दिल थारी मनुहार। साजन साजन मारो सावलियो सरकार। साजन साजन मारो सावलियो सरकार। हर इष्ट लगन मारे दिल में अगन मारी हर धड़कन कवे सोन सजन। अब आ जाओ करु लाख जतन। अब आ जाओ करु लाख जतन। अब आ जाओ करु लाख जतन। मारी पायलड़ी मारी चूनड़ली मारी नानी सी या जो पड़ली। यार मुझम सावन प्रीत जड़े थर थर समरसता बीच गड़ी। अब आ जाओ करु लाख जतन। थारी बाट हथारो है कर दिल थारी मनुहार। आ जाओ घर पाछे कर दिल थारी मनुहार। साजन साजन मारो सावलियो सरकार। साजन साजन मारो सावलियो सरकार। मारी साची सकरी कामना है। मारी साची सकरी पीर है। मारी बाग साप है चावना। जिया साप नदीरो नीर है। जिया जोन भवतरे जुगत जुड़े। जिया दो तन एक समावे। कोई मेघ खबरे आले आवे। मारी गुरजन रिकद घर आवे घर आवे। अब गिण विद पीर मन सुरक सुहावे। मारी गुरजन सच जज कद घर आवे। कोई अमर जोत नहीं दे निर्मम निर्बल बुद्ध बिसरावे। मारो धड़ 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 धड़के मनड़ो। रख ले जी मन आके थारी साव के निरो। आस भी न जावे मारी सांस भी न जावे। अब कोई तो दिखा दे मुकुड़ो गुरजन रो।
सरकार साजन साजन मारो सांवलियो 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 सरकार थे सगड़ा तो अठे आके बैठ गा और भी राजेश ने मैं ढूंढ तो परेशान हो गो कठे है वो दंगल में भी कोनी हो अठे दारू पीके पड़ियो है के? जब सु दंगल स्टार्ट होया तब सु चलो भाई जी थे तो चलो अरे भैया कटे उतर के जा रहे हो ओ भाई गाड़ी में ले जा रहे हो कटे ले जा रहे हो भाई अरे भाई क्या कर रहे हो यार अरे रुक जा अरे पगे पड़ू छोड़ दो बचा भाई जा मैं तारे तारे भाई मैं चुका दूं चल कर लाड़ी सर ने छोड़ दो मैं दे दूं तारे पैसा हमारी बोली अरे घर भी बैठ आओ देखा यार आओ देखा एक मिनट गयो भाई आयो कोनी भाई साहब मैं थारे पक्के पड़ू मारे लाड़े सर जी हरी छोरी सो ब्याज वसूल करके छोड़ देवांगा आप क्यों रे मैं मारी पगड़ी आपने चरणों में रखूं दे दे मारी पगड़ी अरे क्या होगा चले जाओ छुप जाओ कोर दे ले जाओ ताऊ जी ये पगड़ी की जगह पैरा में कोनी सिर पर है कटे कोने में घुस गयो आज तो सच्ची में लड़ाई हो गई लड़ा अरे कोई गुंडा है कुछ करना पड़ सी भाई अरे आज तो लड़ाई हो रही है चलो आ जाओ गाड़ियां धोलियां सब आ जाओ अरे सब ले आओ सारे आ जाओ रे आ जाओ भाग्या हट भाग्या सब भाग्या डरपोक कर दियो काम कौन होते हैं सागर नाम है मारो प्यार से रखो तो गागर में समा जाओ और जब गुस्सो आ गो तो सुनामी बन के खा जाओ मारो नाम राधा है थे राखी पुण्यो प्यार मारी लाज बचाई भगवान थे मारा सगा भाई बन के आया क्यों थारे कोई भाई को नहीं के मारो भाई तो पीसा ले काड़ू बनाने मने बेच के हो कोई बात को नहीं आज सु मैं ही थारो सगो भाई हूँ तन जद भी कोई जरूरत पड़े तो दिल से याद करिए मैं तुरंत हाजिर हो जैसी हूँ अब आज राखी है भाई सगुण गुण तो देनो पड़ सी अब जल्दी लेकर ले भाई यो एक छोटो सो सगुण है राखी पूनी को भाई जी मैं थाने ढूंढू की कर अरे कोई बात नहीं चिंता ना कर ये ले मारो कार्ड और कठे मिले ना मिले मारे ऑफिस में भाई जरूर मिले को ठीक है अब मैं चला ले आओ ठीक है ताऊ जी आंखी भाण भारी भाण कोई चिंता री बात को नहीं थे हो कौन स्वागर ओ माने भी ध्यान है पर यो सागर कठे सुन चालियो कठे पूछे को के करे है कून है कून माँ बाप है मन्ने तो यो बेरो कोनी मार माँ बाप कून है पण जस्सु हो संभाले एकलो ही हूँ लोग कहे है कि कोई नाथू नाम को नाई मन उठा कर लाए पर वो भी 7 साल की उम्र में मर गए बस वो एकमात्र मारो रिश्तेदार थो चौकी है थारी कहानी भी चौकी है अब कहीं करोगा मैं कहीं करूंगा राम करे सो होई अब तो बस आराम कर शा ते खाओ भी अच्छो हो गाओ भी अच्छो बढ़िया आदमी हो
ले नैपकिन पेपर। पेट भर गयो? थारे बढ़िया गाने को एक फायदो है, मैं थारी बात करूंगा मारी म्यूजिक कंपनी में हरी भाई सू, तने जरूर चांस मिलेगो। अरे पागल हो गयो के भाया, हाँ पागल हो गयो के तू? अरे एक तो 1,00,000 रुपया कंपनी में आना चाहे था, ऊपर से दंगल में गावनो और कैसेट खातिर गावन में दिन रात को फर्क है भाया। अरे ठीक है थारी बात हरी भाई जी, पर थे एक बारी भी ने एक चांस तो देके देखो। देख भैया राजेश, मारो दिमाग पहले ही खराब है, हाँ बे राजस्थानी फिल्म रे गाना री शूटिंग आवार तक को नहीं हुई, और भाई प्रोड्यूसर डायरेक्टर पिज्जा पहले ही ले गया। तू बाकी बकवास छोड़ और देख भी शूटिंग को क्या हो। भाई जी बा हो जा सी थे बिकी परवाह ना करो। शूटिंग मैम आपकी ड्रेस कौन सेलेक्ट करी है? एड्रेस मैम मैंने ही की है, पर मैम वो डायरेक्टर साहब को दिखा दिया था। तने बेरो है क्या? कौन से सीन की ड्रेस है? मैम बारिश वाले सीन की ड्रेस है। और बारिश वाले सीन में मैं ये ट्रांसपेरेंट ड्रेस पहनूंगी? पर मैम वो डायरेक्टर साहब ने ही कहा था। अरे वो तो है ही पागल, उसे जब सीन का नहीं पता उसे ड्रेस का क्या पता होगा? गेट मी अनदर ड्रेस बेवकूफ। दीदी थे बात बात पर इतना गुस्सा क्यों करो हो? बिचारे भी हीरो ने भी हड़का दियो काल, परसों डायरेक्टर से झगड़ो कर लियो, कहीं चल सी? इस हिसाब से तो थारी लाइफ में किसी को भी आनु मुश्किल है। मने कोई चाहे भी को नहीं, और जिया को लड़को मने चाहे ना, आज तक भगवान बनाए को नहीं। किसो लड़को चाहिए था ने? जो सीधो हो, जो अच्छो हो, मासूम हो, जिको मन 500 चंचल हो, जो मने हंसा सके, जो अच्छी बाता करे। बस 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 सच्ची आज के जमाने में ईसो लड़को मिलना पॉसिबल को नहीं, और अगर मिल जावे और थने पसंद आवे एक की गारंटी को नहीं। खैर कोई तो होसी, कोई तो होसी। कठे टीबा में लिया है यार। अरे तो मोटरसाइकिल टीबा में कठे लेके आओ तो, शॉर्टकट है। अरे संभाल के, अब तो चिंता ना करिए बिल्कुल भी, माँ के सागे थे भी बहुत जल्दी स्टार बन जाओगा। अरे मैं चाहूंगा तो यार की खुद की म्यूजिक कंपनी होवेगी। तू भी दिन में सपना देखे यार। अरे दिन में सपना देखे उड़ा ही तो पूरा हुए। हेलो हेलो हेलो, यो कहीं इतनी सी जगह में बारिश हो रही है, चलो देखा। अरे फोन करूं कह रही हूं। ओहो अंदर आ जाओ हीरो, ओ और अंदर आ जाओ। ये अप्सरा कौन है? अरे चोरी के नजदीक आ हीरो, आकाशवाणी भी हो रही है। अरे भीगने से डर लग गया क्या? अंदर आ बारिश में। अरे आ जा, काई कर रहे हो? आजा आजा, वेरी गुड। छोरी के कमर पर हाथ रख, हाँ रख। अरे हाँ दिको नहीं राख सक रहे हो ढंग से? ओहो बेवकूफ है। आ जावे कटे कटे से हीरो बनने। अरे कौन लाया रे इन्हें पकड़ के? कट 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 कट, के बात है हैंडसम, कहीं हो गए हो तन्ने है? के हीरो पहला ही दिन सिट्टी पिट्टी गुम होगी। हाँ मास्टर जी बोलो के करना है? अरे असिस्टेंट मारी लाइना देना के है। हाँ मास्टर जी मारी एंट्री कटे सु है। अरे मेकअप, आप कौन हो? मास्टर जी अपनी फिल्म को हीरो है। पहली कहानी सुनाई जब तो एक ही हीरो हो, अब कोई नया फाइनेंसर आए हो के? ना ना ना, अपनी फिल्म को तो एक ही हीरो है मास्टर जी। तो ये कौन है? आने तो मैं पहली बार देखियो हूँ, और मैं जानू भी कौन ही आने। हाय हैंडसम, कट है सुपर कट हो गया। ओ सॉरी सॉरी मास्टर जी, सॉरी सॉरी, के कर रही हो है? मास्टर जी मारो दोस्त है, शूटिंग देखने आया हूँ। कोई बात नहीं, कोई गलती होगी तो मैं माफी चाहूँ। तू क्यों माफी मांगे यार? मेरी गलती के इतना सा एरिया में बरसात हो रही थी, मैं देख भागो। अरे मारा बाप, यही तो शूटिंग है। तो मतलब शूटिंग वाला कहीं भी कर सके, आकाशवाणी भी? अरे आकाशवाणी को नहीं मारा बाप, कि तू फोड़ो है यो। और यो मास्टर है ना, यो बोले ई काला काला रे मायने, ई जगह हाथ लगा, बी जगह हाथ लगा, और यहाँ चले। जदी मैं सोचूं इतनी सी जगह में बरसात हो रही है और एक छोरी नाच रही है, वो माजरो के है यार? माजरो कहीं मैं तने बताया को नहीं हो भाई, चलो मैं तने शूटिंग पर सागे ले जाऊं।
थे कद बताया यार, थे तो कह के बाइक के पाचा बैठ जाओ, मैं बैठ गो मन के बेरो थे कठे लेके जा रहा हूँ। चलो वहाँ मत लोड आने आपनो काम करन दे। अरे आप आग लग कठे सुन जा तो सही देखन तो दे यार, कहीं कर जल्दी कर लो, नहीं दिक्कत हो जाए चाल तो रियो खींच तो ड्रेस चेंज कर लियो, बीमार पड़ जाओगे। ठीक है मास्टर जी। अरे डायरेक्टर साहब 15 दिन हो गया म्यूजिक रिलीज हुए, एक वीडियो तैयार करके कोनी दिया थे, जितना ही वीडियो पब्लिक में कोनी आवेगो गाणो पकड़ कोनी करे महाराज, एक गाणो तैयार करके दियो कंपनी का पीसा सारा मिट्टी में मिल जासी, नहीं तो। राजेश भाई। जी भाई। वैसे तो माने मारे खुद के शेड्यूल को पतो कोनी, पर मैं फिल्म शेड्यूल के हिसाब से ही बनाऊ हूँ, पहले ड्रामो और बी के बाद ही गाणो। सही है। ओ महाराज बात तो थारी सेहत देख के भी लागे कि थे पैदा भी बिना शेड्यूल के उड़ाओ। या चौकी बात था के दिमाग में पहला क्यों नहीं आई? बस आई इंटेलिजेंट लोग आई तो बात है। थे मैंने एक वीडियो तैयार करके दो महाराज, मारी कंपनी की घाटे हूँ बचे। आज की शूटिंग तो खत्म कर दे दो। मारकानी क्यों देख रही है? ये तो छोरियां की तरह शर्मावे हैं, लागे है मने ही बात करनी पड़ेगी। हाय मारो नाम नेहा। ओ हेलो कठने खो गया वो कहीं हो, थासू हाथ मिलायो ना तो पूरा शरीर में सन सन सनहाट फैल गई। हाँ क्यों, कितनो साफ और सच्चे दिल को है। मारो नाम नेहा है। हाँ 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 मैं कहो मारो नाम नेहा है। अच्छा नाम है आपको। हे भगवान ऐ सारा नमूना मने ही क्यों मिले हैं, वो तो मने बेरो है थारो नाम के है। मारो मास्टर गीत। मैं थारो नहीं आको नाम पूछ रही हूँ। अरे आको नाम मास्टर गीत है, मारो तो राजेश है। एक और नमूनो और थारी तारीफ करो, सारी दुनिया करे थे भी मारी तारीफ कर लो। मारो मतलब है मैं आका सेक्रेटरी हूं। सेक्रेटरी ऐसो के काम करे कि यानी सेक्रेटरी की जरूरत पड़गी? नहीं काम तो है अभी करसी, सेक्रेटरी पहली राख लियो। ए लोक गायक है मैं? हाँ हाँ थे लोक गायक हो, हालांकि आपको कोई लोक में गानों को नहीं आयो, पर अब आसी आसी तो आ तीनों लोका में आरी गायकी फेमस हो जासी, और बी के बाद आने सेक्रेटरी की जरूरत पड़सी, ऐशाना है एडवांस में ही राख लिया। कत्तो कमीनो है। वाओ मने लोक गायक बड़ा पसंद है। अच्छा रजनी एक काम कर, तू प्रोड्यूसर कन जा और बाने बोल दे आज शाम ने आको प्रोग्राम रखे। पर दीदी कल तो सुबह की शिफ्ट है। तो क्यों यो, अगर आज शाम में प्रोग्राम कोनी हो सी तो मारी तबीयत खराब हो जासी। मारवा दियो ना गाना है, और फिर आको प्रोग्राम देख कर ही ठीक हो सी, समझ की ना तू? समझ की। तो जा ठीक है। अरे बैठो ना, अभी अभी तो आप आए, अभी अभी आप जा रहे हो। तो मिला संजय ने सनसनाहट चल। हाय कितनी सुंदर है, सुंदर का बच्चा फसा दियो ना मन। बूटी लागे बैदरी रोगी बना दे पक्को, ना कदे मिटे ना सूर बने, जख्म लगा दे पक्को। रंग दे रंग रे जा रे जा रे जा, रंग दे रंग दे रंग रे जा रे जा रे जा, रंग दे रंग रंग रे जा रे जा रे जा, रंग दे रंग रंग रे जा रे जा रे जा, रंग दे रंग दे रंग रे जा रे जा रे जा, रंग दे रंग दे रंग रे जा रे जा रे जा, रंग दे रंग दे रंग रे जा रे जा रे जा, रंग दे रंग दे रंग रे जा।
प्यारा रे रंग में रंग दे जे साड़ सोवणियों रंग दे चैत बैसाख फगणियों रंग दे रंग दे रंग दे ओ गर्व मटकी घूमर रंग दे पीला पोम चाचू नरी रंग दे पगड़ी बागो बिंदोली रंग दे कुर्ती काचली चोली रंग दे चानन लिपटी चांदर रंग में प्रीत प्यास जागी सावन में बन जाऊं थारा रूप री छाया हर एक पग चालू थारा संग में चानन लिपटी चांदर रंग में प्रीत प्यास जागी सावन में बन जाऊं थारा रूप री छाया हर एक पग चालू थारा संग में सावन में सावन में मन रंग दे तने रंग 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 दे मन रंग दे तने रंग 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 दे थारी मारी दे तेरी यो मंग रंग दे रंग दे जवानी रंग रंग दे दीवानी मारी हर धड़कन बदल रंग रंग दे सोच रहा हो दीदी सनसनाहट हो रही है मने लागे है कि मने प्यार हो गयो है मने भी के अब मारो मतलब है मने भी अय्याई लाग रियो है पर अब बिने कवे कौन मारो तो मन ही को नहीं लाग रियो काम में मारो भी हाँ मारो मतलब है थारी हालत देख के एक काम करो थे बिने साफ साफ कह दियो आही तो अपनी छोरिया रही प्रॉब्लम है कि आपा बोल ही को नहीं सका वो तो कवे को कोनी वो तो थारे से भी ज्यादा शर्मिलो है अब यो भी तो कोनी बेरो कि वो मने प्यार करे है कि कोनी केड़ी ने मैं ही बावड़ी हो राखी हूं पर मारो तो पक्को है हां के मारो मतलब है वो भी पक्को ही करे है राम ही जाने मारी तो नींद ही उड़ गई है लोगा ने खाली बिठा के तनख्वाह दे रियो हूँ गानो एक भी चाल को नहीं रियो अगर यो ही हाल रियो तो कंपनी बंद करके हरिद्वार जानो पड़ेगो ओ हरी भाई जी मैं थाने जिक्र करियो वो छोरो सागर वो मारो मतलब मास्टर गीत बढ़िया गावे बीरो एल्बम निकालो सुपर हिट हो जासी हरिद्वार को कहे दो चार महीना रुक के चला जाइयो बात तो भाया तू सही कह रियो है लोक गीतारो फ्यूजन भाया तू एक काम कर तू भी मास्टर गीत और म्यूजिक डायरेक्टर से बात कर हाँ यो भी एक मिनट हेलो हेलो हाँ पापा हाँ बेटा तू कर जा रही है अरे थाने बताया था ना कि मैं मुंबई जा रही हूँ अच्छा मारी शूटिंग है बैठे अरे मैं भी मुंबई आ रही हूँ मीटिंग ओ, थे भी मुंबई आ रहा हूँ हाँ। अच्छा अच्छा थारी बिजनेस मीटिंग है अच्छा बट इन्हें तीन चार दिन को कुछ काम है अच्छा ठीक है पापा फिर मुंबई मिलके बात करा हाँ बेटी चल बाय ओके बाय
रजनी पापा भी आ रहे हैं मुंबई। अच्छा? आपा सब आपने घर में ही रह शा। वाओ दीदी मजा आसी। तने बेरो कोनी में कितनी एक्साइटेड हूँ इस शूट के लिए। मैं भी। क्यों? मारो मतलब है कि थारे बेरो है मने। चल। थारी मनमानी नहीं चलेगी। अरे पड़ जाओगा। पूरा खानदान ने खत्म कर दूंगा। भाग जाओ, गाड़ी जाकर छुप जाओ, घर में ले जाओ। अरे गीत, अरे कहीं हो सागर, कहीं हो? पीसा पीसा पीसा। अरे मैं भी जानू हूँ कि पीसा को काम पीसा सुई चाले है। मारी टांग टूटे या यो हाथ, तने के फर्क पड़े है? थारे सागे काम करता करता तो बड़ा बड़ा हीरो भी स्पॉट बॉय बन गया। फिर मारे जी से छोटा डायरेक्टर ही औकात ही के है। पर नेहा जी, मैं फिल्म बड़ी ही बनाऊ हूँ। ये सारी गड़बड़ थारे संगे क्यों हुए? ये सब होने के बाद भी थे एक्सपेक्ट करो कि मैं थारे साथ काम करूं? लो जी कर लो बात, इमे भी गलती मारी है। अरे सगड़ी दुनिया जाने है कि मैं फिल्म ईमानदारी सु ही बनाऊ हूँ। गलती थारी को नहीं, गलती मारी है कि मैं थारे संग फिल्म करने के लिए हाँ कर दी। अब कोनी कर सकूं, पहले या पिक्चर कंप्लीट करो, बाकी दूसरी की बाद में कर शा। लो जी कर लो बात। अरे मारी तो सगड़ी फिल्म रिलीज हुई है। मने बेरो है, धक्का मार मार के कंप्लीट हुई है। अब कोनी घनोई काम है मारे कने। ठीक है, जानो है तो जाओ, पर हाँ एक बात रो ध्यान रख जो, मुंबई रा शेड्यूल में टाइम से ही पहुँचना है। थाने कोई भी बात समझ में कोनी आवे ना, कोनी आवे ना। रजनी। हाँ आई दीदी। ड्राइवर ने बोल गाड़ी निकाले। ठीक है दीदी। जानो है ना, ठीक है जाओ, पर एक बात रो ध्यान रखनो है, मार्केट में जाकर आई बोलनो है कि थाकी तबीयत खराब होगी। मारी क्यों? तो क्या मारी होसी नेहा जी, थे हो स्वयंभू स्टार और मैं ठहरियो छोटो मोटो डायरेक्टर, समझ गई न? बोल दीजो तबियत वबियत खराब होगी, ये बात पे शूटिंग कैंसिल होगी, आगे डेट दे देसी हूँ। हाँ जाओ। जा भाई। हाँ ए भगवान, तारो लाख लाख शुक्र है उस तो आयो। मैं तो मंदिर में था, अटे किया मैं ले रायो थाने। एक बात मारे समझ में को नहीं आई कि जब भी थे मंदिर में जाओ हो, बेहोश क्यों हो जाओ? पर मन तरह तरह की आवाज सुनाई देवे और तरह तरह का विजुअल दिखाई देवे। हो ना हो, आ सपना सु जरूर थारे जीवन को कोई नातो है। पतो नहीं, बचपन सु ये सारा विजुअल मन दिख रहा है, पहले तो सपना में ही आता पर आजकल तो ये सब खुली आंखें के सामने दिखने लग रहा है। खैर छोड़ो, वक्त आने पर सब कुछ सही हो जासी। एक खुशखबरी है थारे खातर। बोलो। हरी भाई मान गया थारो म्यूजिक एल्बम निकालवा खातर, अब तो थे स्टार बन जाओगा। देखो भाई, वो सगलो थारी मेहनत को कमाल है। वो तो परम पिता परमेश्वर रो आशीर्वाद है। एक खुशखबरी और भी है, पर भाई यहाँ को नहीं सुनाओ भी खातर तो पार्टी करनी पड़ेगी। खबर सुना, पार्टी तारी पक्की। बा नेहा थारे बारे में पूछताछ कर रही। सच्ची? मिलन खातिर कह रही। सच्ची? बड़ी उत्सुकता सु बोले आईरो, मतलब आग दोनों तरफ से लाग रही है। लागे अब तो मिलनो ही पड़सी। आज ही सर मुंडवायो और आज ही ओड़ा पड़गा जी। आज ही सोची ही कि गीत ने प्रपोज कर सियो और आज ही जानो पड़ रहो है। मैं कदे भी कोनी मिल सकूं बीने। काश बीने मिल सकती जाने से पहले। गणी गम्मा, नेहा जी से मिल लो है। जी वो तो सुबह ही चली गई। चली गई जी? उनकी शूटिंग खत्म हो गई थी तो पूरी यूनिट चली गई। इब चिंता मत न करो थे। अरे मुंबई कौन सी विदेश में है, एक एल्बम और आपा मुंबई।
राज करे लो राजस्थान, हिवड़ा में मारा जिवड़ा में है यो नखरा लो राजस्थान, काल करे हो आज करे है राज करे लो राजस्थान, हिवड़ा में मारा जिवड़ा में है यो नखरा लो राजस्थान। There was quite as a swore we a hard to fall, while the earth from the birth in the soul around the world, we say what we want and we do what we can, we can give the life for my brother Rajasthan. आज सुनाने था ने कहानी सुन लियो थे उस्ताद रिवाणी, यादा में न कोई अछू तो भूल हुई तो माफ करी जो, वीर एक शू एक जना कुण कुण रो करा बखान, we never show you back, we give everything we have just to win any fight and we never come last, we say what we want and we do what you call, we can give a life for my brother Rajasthan, काल करे हो आज करे राज करे लो राजस्थान, देखियो हरी भाई को कमाल, गानो हिट होने के बाद तने होटल के बजाय बंगले में ठहरवायो है, क्या बड़े सब में तो ठीक है यो है स्टार को जड़वो, पर बंगलो कौन को है? अरे छोड़, बंगलो कौन ले सके तू मेरी लाश को ऊपर से निकल जा बंगलो दांत। ओ रुक भाई, यो मुंबई है मुंबई, अठे 24 घंटा शूटिंग चले और आना होवे कठे शूटिंग में जा डिशुम डिशुम। ओहो मन ने बेरो है शूटिंग के हुए और असलियत के हुए, तू चिंता मत ही कर मैं। अरे भाई तने बेरो है वास्ते तो कहूं हूं, अब ते बड़ा स्टार बन गया हो और डिशुम डिशुम करनो चौकी कोनी बात। अरे डिशुम डिशुम कोनी करूं, तू पहले भी नहीं पीसा दे। हां ठीक है, अब के है? अरे मारा बाप कोनी लड़ू मारी सोगन, अब तो रुक। ए भैया अपना पैसा दे दो यार। अरे भैया तू तो उतावलो क्यों हो रियो है, मेरी लाश को ऊपर चल, छोड़ दो। क्या वे शेने? Why are you cutting Buddha Taoji Taiji? क्या? हैं? मैंने बोला Why are you cutting Buddha Taiji Taoji? सुन, इनको मार खाने का शौक है और मेरा धंधा ही मारने का। Any problem? हाँ? See, I can't see Buddha Buddhi cutting. समझा?
शाने, अपुन के फड्डे में टांग नहीं फंसाने का, समझा? चल कट ले यहां से। तने मारी सौगन, जे तू लड़ाई करी तो। देखो टकलोक, लड़ाई थारी और ताऊ जी की है, थाकी तरफ सू थे और बाकी तरफ सू मैं। अच्छा, आपा दोनों सलट लेगा, फिर बाने क्यों परेशान करा, ठीक है ना? ठीक है। देखो दो डायलॉग में राजस्थानी समझ में आने लगी, थे चलो ताई जी अंदर चलो, मैं यहाँ से बातचीत करके आऊं, थे चलो। आओ जी चलो। आ बड़ी ना बात, चल शुरू करें। सुनो लड़बाओ पहले नियम तो सेट कर लिया। अच्छा हाँ, सबसे पहले तो थारी राक्षस सेना ने कोनो पकड़ा दो। चलो देना पैसे, तमाशा देखो। जी भाई, हाँ भाई, जी भाई, ठीक है, जी भाई, चलो। और सुनो, बीच में कोई आवलो को नहीं, एक साइड बैठ जाओ, ठीक है? ठीक है। जाओ जाओ, बैठ जाओ। आप शुरू करें। आइया क्या? रूल नंबर दो, हारने वालों जीतने वाले की हमेशा इज्जत करोगे और उनकी सारी बात मानोगे। मंजूर है? मंजूर है। अब जल्दी शुरू कर, एक्शन में खड़े खड़े थक गया हूं। देखो थे उम्र में मार सू बड़ा हो, सबसे पहले तो थे मन आशीर्वाद दियो। चल दे दिया, चल अब तो शुरू करें। हाँ बाबा, क्या बात है। साले हिजड़ों की तरह तालियां बजा रहे हैं, मारो इसे। देखो भैया, ये पहले ही तय हो गया तो कि लड़ाई तुम दोनों के बीच में होनी है। अपन ने नहीं मरना। दिस इज ओनली गुड मैन समझदार। हेलो सुन, चाय बना के ला ताई जी के लिए और ताऊ जी के लिए। और हाँ, एक मारे लिए भी बना के लाए। ठीक है लाऊं, तू यहीं ठहर, मैं चाय बना के लाऊं। क्यों और खाशोक पेट भर गो? भर गयो भाई। तो फिर थे जाओ और सारो सामान वापस जिया हो भी यहीं मिले हो। बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय। और हाँ सुनो, दोबारा ठे आजो मती। बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय। गणी कम्मा आओ, काई हाल है? ठीक हूँ। अब ते चिंता ना करो, कर दियो काम सबको। अच्छा, रोज को काम है। अब आ रही आ रहा है भाई। आ रहा है? हाँ ए लो। ताऊ जी दोख, देखो थे चिंता मती करो, मैं बाप को तो अशो इलाज करियो हूँ के बे अब कदे ही कोनी आवट है। तने बताया नहीं रोज को काम है? हाँ। भैया कहीं देख रहे हो ताऊ जी? भैया क्या, वही चेहरों, वही अंदाज है? थे आगा दाता हुकुम। दाता हुकुम? दाता हुकुम? थे पाछा आगा, पाछा आगा दाता हुकुम। देखो ताऊ जी, मारो नाम सागर है, मतलब मारो मतलब मास्टर गीत है, और मैं पहली बार बंबई आई हूँ। और मैं नहीं नहीं, थारे लिए थारो नाम सागर हो सके, लेकिन मारे लिए दाता हुकुम, दाता हुकुम। इविया के नहीं कहानी है ताऊ जी, थे काई कह रहे हो, मारा तो क्यों ही समझ में कोनी आयो? सब समझ में आ जाओगो, सब आ जाओगो। आओ मारे सागा, आओ मारे सागा, आओ मैं बताऊं, सब समझ में आ जासी। आओ मारे सागा, आओ दाता हुकुम, मारे सागा आओ, आओ दाता हुकुम, आओ आओ। कठे हो कुंवर, ये है मेरा दादा। राजा की तीन रानी, थारे खातर एक छोटो सो घोड़ो लिया दूंगे। अरे मारा छोटा सा, मारा प्यारा प्यारा कुंवर, घना दानवीर बनता फिर रहा। लटके पदे ले रहा, पेंडुलम बना दिया ना तेरे को।
कोई अरे पड़ जाऊंगा मारे रावड़े की रौनक मारी बात सुन मारा लाड़े सर सही बात कर रही हो तुम अच्छा 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 डॉक्टर की दुकान कैसे बंद हो सकती है? दवाई का दुकान बंद हुआ? दवाई तो लेने गया था, तब तक बंद हो गई दुकान। चुप चुप चुप। आधे घंटे से चटर पटर सुन रहा हूँ तुम लोगों की। अबे मुझे भी तो कुछ बोलने दो भाई। आप बोलो ना। क्या बोलूं? हैं? भूल गया भू? आप पूछ रहे थे कितने आदमी थे। हाँ कितने आदमी थे? दिख तो एक ही चरा था। और तुम? हम लोग पिंटिया बबलिया अपना डब्बू अपना लंगड़ा गंजू। एक खाने गिनती में बता, नाम में नहीं। कितने आदमी थे? 20 तो होंगे। क्या बात है, वो एक और तुम 20। हाँ मार खाकर आ गए। क्या सोचा, क्या सोचा तुम लोगों ने? हाँ क्या सोचा? भाई खुश होगा, शाबाशी देगा, दारू की पार्टी देगा तुम लोगों को। भाई बहुत भाड़ू है वो, अगर हम 25 भी होते ना तब भी पिटके ही चाहते। मारवाड़ी सब पे भारी। वाह, एक तो मार खाकर आए और ऊपर से उसकी तारीफ। अबे नंबर निकाल उसका जल्दी। भाई पिटने में इतने बिजी थे ना, नंबर ही नहीं लिया। ओ हाँ, रामलाल के पास होगा, साला चाय भी बनाया उसने उसकी। तो रामलाल से ले। वहीं सेटल हो गया। खान, मैं कुछ नहीं जानता, आधे घंटे में मुझे उसका नंबर चाहिए बस। आधे घंटे में नंबर चाहिए? टेलीफोन डायरेक्टरी हूं क्या मैं? अग्रवाल जी, प्रोजेक्ट तो थारो बहुत बढ़िया है, बाकी ई के मायने आपनो पर्यावरण का जी का नियम है, वन्य जीवा के प्रति जी का दायित्व है, सोशल जी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बात सारी पूरी करनी है आपने, प्रोजेक्ट में ध्यान रखनो है। पण मंत्री जी, इस प्रोजेक्ट में मैं बहुत आगे बढ़ चुकी हूँ, अब मैं यह प्रोजेक्ट ने रोक नहीं सकूं, यह प्रोजेक्ट मारे वास्ते बहुत जरूरी है। नहीं बिल्कुल, आप रो मोस्ट वेलकम है, प्रोजेक्ट लगाने के वास्ते तो चेष्टा कर रहे हैं यहाँ, जो भी हो थाने कोई असुविधा कोनी होने दिया। जी, जी। आप लोग बाड़ने का जितना भी स्टेट में गया हो राजस्थान से जाकर कितो डेवलप करे आओ बटे बी टाइम में बाकी असुविधा कोनी ही के तो अठे अगर एक बार थोड़ी बहुत असुविधा भी आवे तो आपने पूरा प्रयास करना चाहिए। जी पूरी कोशिश कर शू, पर नहीं नहीं कोशिश से काम कोनी चाले, आप तो नियम पालन करो, बाकी मैं लोग आपके सागा हूं, जो भी आपने मान लोगा की हेल्प की जरूरत पड़सी मैं लोग आधी रात ने तैयार हूं। जी नेहा, अच्छा बाद में बात करा। बेटी नेहा, हाँ? ये तारा कटने जा रही है। पापा वो... नमस्ते अंकल। नमस्ते पापा, बे मास्टर गीत की तबीयत खराब हो गई है। कौन मास्टर गीत? अरे वो डांस मास्टर नहीं, मेरी एल्बम का हीरो, मैं राजस्थान गई ना शूटिंग के लिए, बट इन्हें मिले। हाँ बड़ो ही भोड़ो। तो आपके बारे में बता, कौन है मास्टर गीत जी का हीरो है जी का, कोई फोटो वगैरह या कोई बायोडाटा है कितने कर लिए? पापा की फोटो? फोटो बिल्कुल जरूरी है, कोई की भी जानकारी तो होनी चाहिए ना। ये है। अरे ये तो दाता हुकुम है। दाता हुकुम बे देवता आदमी है, ओ बंगलो भी बांको ही है, मैं तो ही बंगला को खाली चौकीदार हूं। दाता हुकुम के बारे में मन और बताओ ना, बकुण हा और बांके सागे के हुयो? थारो कहीं लेन देन हो दाता हुकुम सु? मारो लेन देन? देखो मैं थान बताऊं, मेरो नाम क्षितिज कुमार है, और बाजी की आराम कर रही है ना बा हमारी पत्नी है। एक जमाना में मैं राजस्थानी फिल्मा को सुपरस्टार हो, दाता हुकम से मेरी पहली मुलाकात नवलगढ़ में हुई।
दाता हुकम को बहुत बड़ो नाम हो। वीर दबंग लोगा की सेवा खातिर अग्रसर रहनो। दाता हुकम आन बान और शान का प्रतीक हा। हर आदमी का दुख दर्द ना समझता, हर आदमी की समस्या को समाधान बांक करना हो। लोग बहुत प्यार करता वहां से, इतनी इज्जत करता कि पूछो मत। जब मैं नवलगढ़ का गढ़ में बा से मिलन खातिर गयो, सारो चाल चलन ठीक कोनी है। खमा गणी हुकुम। खमा पधारो। खम्मा हुकुम बिराजो। धन्यवाद खम्मा। हुकुम आ हमारी धर्म पत्नी निर्मला। नमस्ते खम्मा हुकुम। राजस्थान रा सुपरस्टार मारा घर पधारिया, आज तो गढ़ रा भाग्य ही खुलगा। हुकुम भाग तो मारा खुलगा आपरा दर्शन करके, बस थोड़ो सो आशीर्वाद दे दो तो। अरे आप तो राजपूताना री शान हो, खुल के बोलो। हुकुम खम्मा गणी हुकुम। खमा खम्मा गणी भटियानी हुकुम। काई बात है हुकुम? वो बात दरअसल है कि एक मिनट बात कर सकूं के? हाँ या अपना घर का ही आदमी है, बोलो जी। हुकुम हुकुम वो छोटा हुकुम रे बिलारो कहीं करनो है, दारू रा जुए रा मारे सुतुम बोलियो भी को नहीं जा रही है, लोग आपरे कारण कुछ बोल को नहीं रहा। हुकुम घर तो बढ़िया रखे हुए थे। हाँ। कई बार फोन आयो हुकुम, बहुत सुनो है ईशु पहले की चर्चा हो गए बीमारी रे निपटारो कर दे हुकुम। अच्छो होयो मुनीम जी, जो यह बात आप आपरे मुंडा सुकेई, म्हारी बात तो दरबार रे समझ ही को नहीं आवे। मुनीम जी। जी हुकुम। एक रुपए भी अधर्म और गलत कामा खातिर खर्च को नहीं होलो, चाहे फिर वह छोटा हुकुम हो या फिर मैं खुद ही क्यों ना हूं, या मारी और मारा पुरखा की खून पसीनेरी कमाई है या सिर्फ सार्थक कामा खातिर ही खर्चो सी, कम से कम महाराज जीता जीतो। पर दाता हुकुम वो बस ओ मारो आदेश है। और हाँ आज से छोटा हुकुम को हाथ खर्चो बंद। जो हुकुम दरबार। खम्मा गणी हुकुम। हुकुम अब माने भी चालने की इजाजत दो हुकुम। अरे आप जो बात करबा खातर आया बा बात तो करी को नहीं, बा बात तो कर लियो। नहीं नहीं रानी हुकुम आज दरबारो मूड ठीक को नहीं, रानी हुकुम फिर कदे करांगा। अरे नहीं वो सब तो रावड़ा में चालतो ही रहे, थे तो बोलो। मैं ये बोलो हुकुम, रामनारायण आपने सारी बात बता दी होगी, मैं एक फिल्म बना रही हूँ, बिको बजट 20 लाख रुपया है हुकुम, 10 लाख को जुगाड़ तो मैं कर ली हूँ, अब बाकी पैसा अगर आप लगा देता तो। क्यों नहीं आप ही धंधा में बरसासू, मैं मुनीम जी ने बोल देसू थे बाहू मिल ली हूँ। जी हुकुम। मुनीम जी। खम्मा गणी हुकुम। ए क्षितिज कुमार जी हैं। जी हुकुम। राजस्थान का सुपरस्टार थारो मिलेगा, ध्यान राखियो। जी हुकुम। हुकुम आप रो बहुत बहुत धन्यवाद, घणो धन्यवाद। अगर आप बुरो नहीं मानो तो मैं एक बात पूछ सकूं के? पूछो ना। हुकुम ए छोटा हुकुम अपना कंवर है के? ना ना छोटा हुकुम तो दरबार रे काको सारा कुंवर है। हाँ अपना कुंवर तो हाल छोटा है। हुकुम अब माने इजाजत दियो। खमा गणी हुकुम। खमा गणी रानी हुकुम। चलो बहुत भला आदमी ये था, नाम था नाम विराजो सा, बहुत खुशी हुई मिलकर। मारे खातिर तो पैसा कोनी और फिल्म में लगाने खातिर 10 लाख और ये फिल्म तो मैं बढ़ाऊंगा हुकुम, दुनिया देखती रह जाएगी। फिर कहीं होता हूँ जी? फिर मारी फिल्म बीच में ही बंद होगी, सेट पर आग लाग गई, आर्थिक नुकसान हुए, पैसा भी पछा कौन कर सके। हालांकि मुनीम जी बीच बीच में फोन करता लेकिन मैं बन जवाब ही कौन देतो, और जवाब देतो भी कहीं। कर्ज में डूबने से हालत आ होगी कि मारो मकान ही बिको, रहने की जगह का लाला पड़गा,
मैं पति पत्नी फुटपाथ पर रहने लगा। मैं शर्म का मारे मुंह छुपा तो फिर रही हूं। फिर एक दिन मालूम पड़े कि दाता हुकुम बंबई में आ रहा है। मैं सोचो कि मैंने दाता हुकुम से मिलना चाहिए जाए आने दुनिया ने पाने सच बता दूंगा और माफी मांग लेऊंगा। फिर एक दिन जब मैं पति पत्नी दाता विला में मिलने गया हुकुम से तो हुकुम या दाता नगर की पूरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट है। अच्छा, इसमें कुल 7,000 प्लॉट है, 5,000 फ्लैट है और 2,000 बंगला है। ई के अलावा 7 स्कूल है, 14 गार्डन है, 16 बैंक है, 5 शॉपिंग मॉल्स हैं और 20 थिएटर स्क्रीन है, 3 अस्पताल है और बी के अलावा 2 स्टेडियम है और 1 गोल्फ को मैदान है। अपनी कुल इन्वेस्टमेंट 1300 करोड़ रुपया की है, बाकी लोन बैंक सेंक्शन दे दी है। एक ही कंस्ट्रक्शन रिपोर्ट आगी के? हाँ हुकुम, ईमे ही है। कौन सो माल कितनो लागसी, कठे आसी के पेमेंट टर्म है, या की सब डिटेल्स है। और इतनो ही नहीं, कौन सो माल कितनो आनो है, कठे आनो है। हुकुम क्या यो बंसी? बारे एक भिखारी आयोडो है, मैं बिन्ने बोल्यो थने रोटी अठे ला देसू, पर वो आपसो मिलवारी जीत कर रहे है। कोई नहीं, बिना भेज दो। जी हुकुम। हाँ तो नरेंद्र जी। हुकुम, छोटे मुंह बड़ी बात है। निर्भय हो के बोलो। हुकुम, छोटा हुकुम ने अपने प्रोजेक्ट से थोड़ा दूरी रखो तो ठीक है, बाकी नियत और इरादा ठीक कोनी लागे। भैरव सिंह मारा काका हुकुमरी संतान है और बा मारी जिम्मेदारी है, बिन मैं मारा कामा से दूर किया कर सकूं। तो चिंता मती करो, मैं बाने बोल देशु, मैं तारा काम में दखल अंदाजी कोनी करे। शुक्रिया हुकुम, मैं तो इलिए बोल रहे हूँ। आजू आजू आ दिना वे ठेकेदारा से। हुकुम आ रहे हूँ। छिटी जी अरे ना ना ना, आप तो राजपूताना रा सुपर स्टार हो, आप री जगह तो ही बड़े में है। विराजो 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 विराजो। हुकुम मने माफ कर दियो, वक्त मारे सागे बहुत खराब मजाक करियो, बहुत खराब, और माथा से छत फट गई। मैं भिखारी होगो हुकुम, भिखारी होगो। देखो बकत जो करे आछो करे, देखो ना आज जो बकत ही तो अपन पाछो मिलायो है, और थान छोटा सा घर सु निकाल के इतनी बड़े हवेली में ले आयो, आज सुते अठे रहोला जब तक जियोला। मैं सारे बंगले में ढूंढ के आ गई और थे लोग अठन्ने बैठे हो और पेक अठन्ने हैं। गर्मा गर्म चाय। गॉड दे सेफ हो। क्यों मन्ने के यू? मैंने हरिभाई को फोन आया थो और भी बोले कि थारी गुंडा से लड़ाई हो गई है और थे बेहोश हो गया। हाँ, और जब अठेने आई तो फिर सभी लोग रोवन लाग रहा था, मारो तो काल जो ही बैठ गयो। एक काम करो, थे तो गर्मा गर्म चाय पियो और कालजन उठाओ, मारो मतलब रिलैक्स हो जाओ। पर ये सब लोग रोवन क्यों लाग रहे? हाँ वो तो काल का गाना की रिहर्सल कर रहा। पर काल को गाना तो रोमांटिक है ना। ये रोमांस कहां से हुआ?
रोमांस का आंसू? अरे बावली जिया सुख का आंसू होवे, जिया दुख का आंसू होवे, भैया ये रोमांस का आंसू है, है नी? फिर ठीक है। बढ़िया। क्या हुआ? उठा नहीं रहा? दिंग क्या भाई बोल रहे लाए बे? किका भाई बोल रहे हो? जगत भाई। कौन जगत? अरे जगत बोले तो अखी दुनिया का भाई। आखारी दुनिया? समझो को नहीं। अखा बोले तो पूरी सारी। क्या? सारी 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 दुनिया का भाई। ओहो फिर तो थे मारा भी भाई हुआ ना भाई जी। धोक धोक हुकुम करो। कहीं याद करे आधी रात ने? कोई विशेष काम? यार एक बात बोले अपन। बोलो। तू ना सॉलिड है बाबा, बिल्कुल सॉलिड। पहले तो कुत्ते की तरह हमारे लोगों को धोया, उसके बाद पूछता है काई को फोन किया। ओ तो मैं थारा आदमी था और थे मारा भाई, मतलब मैं था को भाई, तो पहले कहना चाहिए था ना। मन ने के बेरो देख बे शाने, अपन तेरे से एक बात बोल रहा है। कल ना हमारे आदमी तेरे बंगले को खाली कराने आएंगे और चुपचाप खाली कर देने का। पर क्यों? मैं भी तो थारा भाई हाँ, और यो बंगलो भी तो थारा भाई कोई है, और फिर खाली कर देगा तो मैं कटे रह। तू ऐसे नहीं मानेगा ना, कितने प्यार से अपन तेरे को समझा रहे लाए, और तेरी समझ में नहीं आ रहा। अगर अपन की सटकी ना तो बंगला तो छोड़, तुझे दुनिया खाली करके जाना पड़ेगा, समझा? देखो भाई जी, ज्यादा इमोशनल बाता करोगा तो फिर सह परिवार अठे पधारो ना, था की अच्छी खातिर कर। अब ऐसा है, तेरे को इतना समझाया तेरी समझ में नहीं आया, अब तूने अगर अपनी माँ का दूध पिया है ना तो कल 11 बजे अपुन को उधर एच मिल, तेरी मुलाकात काल से होगी। काल सुना माने काल डर लागे थोर, ना आज डर लागे है और ना ही काल लागे लो, समझो? पधारो भाई जी। क्या बोला पठान? ये बात ना सुनी भी लग रही है, कुछ तो लोचा है। कौन को फोन हो अत्याधी रात में? कोई दिन क्या भाई हो? दिन क्या भाई? दिन क्या भाई? ओ बहुत बड़ो गुंडो है मुंबई को। हाँ वही कोई प्रीति भेंट करना चाहो काल। नहीं नहीं नहीं, इसे बच कर ही है। कोई तो है वो, आज की डुप्लेक्स की लाइन है ना, आना एक बार दिखा दी है। लेकिन ए बोल रहा है कि 60 फीट की जगह रोड है, बस 60 फुट की रोड है। क्या रे मारवाड़ी? अरे ए रुको रे बाबा, मारवाड़ी तो भड़क गया। भाई हाँ, मुझे तो डर लग रहा है, अब क्या होगा? वो क्या है पठान, अपन को अपनी दुकान बंद करके जाना पड़ेगा। अब एक यहाँ का नया डॉन आ गया है, मारवाड़ी भाई आ गया है, हैं? क्या रे? तेरे को अपुन ने समझाया, मारवाड़ी तेरी समझ में नहीं आया ना? दिन क्या भाई फोन करता है वसूली के लिए। भाई बहुत फटफड़ा रहा है, ठोक दूं क्या? बोलो। रुक, नहीं पठान, आखिरी मौका देते ना इसको। क्या है मारवाड़ी की अपुन की तेरे से कोई दुश्मनी तो है नहीं, समझा? अब क्या करे साला, अपुन दोनों का ना बिजनेस ही कुछ ऐसा है, और तेरा क्या इतना बड़ा ऑफिस। अरे बाबा ठीक, ये देख लाइट, देख लाइट, इतना बड़ा ऑफिस, इतना बड़ा प्रोजेक्ट, और तू तो मेरे ख्याल से लाखों में खेलता होगा, हैं? अपुन तेरे को खाली इतना बोलता है, तू बिजनेस कर रहा है, प्रोटेक्शन मनी देना मांगता है। और कौन सा प्रोटेक्शन मनी? तेरे को बचाने के वास्ते, तेरे को बस खाली उसमें से जितना भी तू कमाए उसका 10% अपुन को मांगता है, उसके बाद जो करने का जो कमाने का है कमा तू, अपुन तेरे को कुछ नहीं बोलेगा, 10%, समझा? सही बोल रहे हैं भाई। क्यों मारवाड़ी,
हमारा भी काम हो जाएगा। हाँ, और तुम भी चैन की नींद आराम से मुंह के सोएगा, आराम से। एक फूटी कौड़ी को नहीं दूं, पैसा मेरा, मेहनत मेरी, थाने क्यों दूं मैं? तेरी जान के लिए। थे कोई भगवान हो के? भगवान नहीं, काल, मारवाड़ी काल, समझा? आदमी को जंदा निकल जाता हूं मैं, समझा? काल सुना मैं काल डरया हां, ना आज डरा हां, और ना काल डरंगा। थारी ये गीदर धमकिया थारकन रखो और कान खोल कर सुन लो, मैं अठे बिजनेस करण में आया हूं, ई वजह सु शांत हूं। नहीं तो दो दो हाथ करण पे उतर आयो ना, तो थारा पुरखा भी आगा ना, तो थामा सु बच को नहीं सकेगा। ए, ए, अरे सेठ, क्या आप तो गुस्सा हो गए? वो क्या है कि आपकी और हमारी कोई जाति दुश्मनी तो है नहीं, आपुन क्या चाहता है कि तुम्हारी जो सिक्योरिटी है उसका जिम्मा लेने का? बस उसमें क्या है कि कल को अगर तुम्हें कुछ होता है तो हम लोग खर्चा भी तो करेंगे ना उसमें, है ना? रक्षा करनिया की थे रक्षा करोगा? सदियां सु मारो काम ही प्रजा की रक्षा करनो रहे है, थारा जैसा लोगा सु। और इब 9-2-11 हो जाओ, था के लिए एक फूटी कौड़ी को नहीं। अपुन ने जो तेरे को ऑफर देना था दिया, जो बोलना था वो बोला, अब क्या है कि पूरा जमाना देखेगा, क्या जमाना, समझा? चठे चावे पठे मिल लीजो, परथे अबार पधारो। और हाँ, आगे सु जहां पर भी शिवांग ग्रुप रो नाम सुने धोखा के निकलियो, वरना अंजाम बुरो होसी। चलो रे, जमाना, समझा? मैं भी चलू क्या? ठीक, खम्मा घड़ी दाता हुकुम उड़ाएगी, ते आदेश तो करो, आबार निचोड़ कर रख दूंगो। भैरो, शांति शांति, कुकरा यहीं ही भोंके और हाथी यहीं ही चाले, थे तो मजा करो, पधारो। आप तो बिराज, हाँ तो क्षितिज जी, रुक को पत्तो तो अब आयो है मारे कने हुकुम। काईगू रोका मुझे, साले को वहीं डाल देता मैं। अरे हमेशा पठान की तरह बात करता है, कभी दिमाग से भी सोचा कर, अगर लफड़ा हो जाता तो एक बहुत बड़ा बवाल होता, समझा? और वो जो मारवाड़ी है ना, उसको हम हल्के में नहीं ले सकते। देख ए भाई, तेरी बात मेरे भेजे में नहीं घुस रही। ए पकिया, तेरे को कुछ समझ में आया क्या रे? भाई करना क्या है, सिर्फ इतना बोलो, अगर उसको ऐसे ही छोड़ दिया तो बहुत बेइज्जती हो जाएगा। अरे यार, अब इसको ही कुछ समझाना पड़ेगा। सुन छोटे, क्या हुआ? हाँ तू भी ना, एक काम कर, पहले बैठ। वो क्या है ना कि आज की जो मचमच हुई है उसको ये लग रहा है कि अपुन को हड़का दिया। हड़का दिया बोले तो अपुन लोग घर में चुपचाप बैठेगा और मारवाड़ी को लगेगा कि अपुन लोग डर गए। क्या? वही तो मैं बोल रहा हूँ, नाम की वाट लग जाएगी हमारी। तू नहीं समझेगा पठान। पठान एक काम कर, इधर आ। अरे आ, अरे इधर आ। बोलो भाई। क्या है पठान, तू समझता ही नहीं है। क्या है ना, कल जाके मारवाड़ी के घर पे ढाबा बोलने का और अपनी बेइज्जती का पूरा बदला उसके खानदान को उड़ा के लेने का, समझा तू? हाँ भाई। कल तू औरंगाबाद निकल, हम उसको टपका के 15 दिन के लिए तेरे पास आएंगे, पूरा पुलिस का लफड़ा खत्म होने के बाद, ठीक है? माशाल्लाह।
क्या प्लान बनाया? मान गए। मैं कहीं नहीं जाएगा भाई, हर बार आप लोग जाते हो, अब की बार गेम बजाने मैं जाएगा। मैं और... बेटा तू अभी छोटा है। क्या भाई, हर बार यही बोलकर आप मुझे चुप करवा देते हो। पठान समझा इसे। पठान पकिया भाई सही बोल रहे। बस भाई मुझे कुछ नहीं सुनना, आप लोग जाओ औरंगाबाद और मैं अकेला ही उस मारवाड़ी को टपका के आएंगा। भाई पठान मियां शेर का बच्चा है, जाने दे। अच्छा सुन। हाँ भाई। उसको टपका के ना, हाँ, ताबड़तोड़ अपुन के पास आ जाने का। भाई अपुन को रात की पार्टी का भी तो इंतजाम करना है। हाँ जी भाई समझा। चल बाबा ख्याल रख अपना। छोटे ध्यान से। अरे मारा छोटा सा, मारा प्यारा प्यारा कुंवर, मारे रावड़ेरी रौनक, मारी बात सुन, थारे खातर एक छोटो सो घोड़ो लिया दूं के। हाँ कहीं बदतमीजी है, कौन होते? ए बुढ़ाऊ, मद्या भाई नाम है अपुनका, अखा मुंबई कांपता अपने नाम से। मुंबई कांपे कोनी कांपे, ई बात को तो बेरो मैंने है कोनी, अब आर तो खड़ो खड़ो तू ही कांप लियो ऐठे। एक काम कर, थारो भलो चावे ना तो आ चमचा ने लेर घरिया चलो जा पाछो, कान खोल और सुन ले, अगर मैंने गुस्सा आई गयो ने तो पाछो जाबा के लायक भी कोनी छोड़ूंगो। साला हड्डी पसली तो कीर्तन कर रही है, और अकड़ तो देखो, एक थप्पड़ में जान निकल जाएगी बढ़ाओ। चराट अच्छा कांप तो खुद रही हो है, और थप्पड़ मेरे मारे को। साला आप बोले तो धोती गीली करने वाले तुम लोग, अपन पे हाथ उठा रहे लाए क्या? पाछा ने गाल ले टाबर था क्या खेला करता में, के समझ रखे हो तू राजस्थानिया ने है? महाराणा प्रताप से लेकर बिड़ला जी तक थारी जान बचावने या राजस्थानी है लागे है, माने इतिहास कोनी पढ़े तू। राजस्थानी गुस्सावत तो चुड़ावत जिद पावत तो राणा रतन सिंह, गर्जे तो महाराणा कुंभा, हुंकार भरे तो महाराणा सांगा, प्रण लेवे तो महाराणा प्रताप, और जुनून चढ़े तो पृथ्वीराज चौहान। बिजनेस करण पे उतरावा ना तो बिड़ला मोदी मित्तल खुडानिया। आज भी अपनो हाथ खींच लेवे ना मारवाड़ी तो आधो हिंदुस्तान भूखा मर जाओगो। या तो थारी किस्मत चौकी है जो आज मारी माता श्री रो श्राद्ध है, वरना मारा बाबूजी के साथ है बदतमीजी, अब तक तो थारी जीभ निकल के कट चुकी होती। बाबू साहब, बाबूजी, कोई डॉक्टर को बुलाओ। फोन कर दियो बस, आता ही हूँ। कोई फायदा कुनी ना बाबू साहब, बस आप थोड़ी हिम्मत रखो, आपने की कोनी होसी, बस डॉक्टर आता ही होसी। कोई फायदा कुनी, मारे जावन रो वक्त आ गया है। ना बाबू साहब, ना टाबरों को ध्यान रखियो, खुद को ध्यान रखियो, पर एक बात और सुन लो, भैरव सिंह को जरूर ध्यान रखियो। थारी माँ लेने आ गई है, अब मैं चालू हूँ। जय भवानी।
पठान। भाई मरा है उनका भाई। ये दाता इस दुनिया में कहीं भी छुपा होगा ना, तो अपुन उसको बाहर निकाल के उसके छोटे छोटे टुकड़े करके कुत्तों को खिलाएगा। दाता हुकुम, वो कहीं कर रहे हो आप? मैं छोड़ूंगा नहीं माने। नहीं नहीं दाता हुकुम, अब आरो सब करने को समय नहीं है, आप तो संस्कारी बेटा हो। परचित जी। नहीं दाता हुकुम, नहीं। पहली दरबार का पार्थिव शरीर आपा से समान विदा करा, फिर आप कुछ भी कर लीजो। 12 दिन तक शांति बनाए रखो दाता हुकुम। देखो वे लोग भी ठीक है, फिर आपा को चुन चुन कर बदलो लेवांगा। हाँ लो मन दो, आप मन दो दाता हुकुम। आओ आओ आप। 12 दिन तक आपन कुछ भी नहीं करना चाहिए दाता हुकुम। भाई मरा है मेरा भाई, अपन दाता को नहीं छोड़ेंगे। इतनो आसान को नहीं है दाता हुकुम ने मारनो। चिड़िया को बच्चों है के, इतनो आसान को नहीं है दाता हुकुम ने मारनो। पठान इन दोनों को किधर इच तो देखा है अपुन? भैरव सिंह जी हुकुम, रामगढ़ का होनाला दरबार दाता हुकुम को ऑफिस में ही देखे है। थर भाई मर गए, मैंने बहुत दुख है। हाथ नीचे, नीचे रख, नीचे नीचे। देखो थान लोगों की दुश्मनी भी दाता सु है और मान लोगों की दुश्मनी भी दाता सु। थाने थारे भाई को बदलो लेनो है और माने मारे बापूजी को, क्योंकि बै बिना बचाने खातिर महा लोगों ने अनाथ कर गया। कहानी ना सुना कहानी। बोले नीचे रख, नीचे। प्लान बता, बस प्लान बता। प्लान यो है कि दाता 12 दिन तक शोक में रहेगो और आपने पूरी ताकत के सागे वहां पर हम लोग कर देना चाहिए। अब और हम लोग कर दियो तो कुछ कर सकांगा, वरना वरना क्या? वरना सारा ने बाल निकाल के मारसी 12 दिन बाद वो। इसको बोल मच मच करना बंद करे, समझा? तो चुप रहे, एक भी शब्द नहीं बोलेगा आप। अटेंड में भी जानू है आपने। सुनो मैं लोग जाकर के बठे सारी तैयारी करा और थे आपने पूरी तैयारी करके बठे आ जाओ। अगर थे वो सब अच्छी तरह कर दियो तो भी की बंबई पार्टनरशिप में 50% थारो। मंजूर है। तो ठीक, 5 से 12 दिन के बाद में पगड़ी की रस्म है और पगड़ी की रस्म के दिन सारा गांव वाला के सामने बीरो सर कलम करांगा। जब सर ही नहीं बचेगा तो पगड़ी कटे बांधे को। बापू सा चलो बैठो चलो बैठो चलो चलो बैठो चलो। खमा 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 गणी कस्तूरी तिलकं ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभं नाशाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुतले कंकणं सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मोक्तावली। Oh,
दुर्दादरं तमुदधं गोपाल चूडामणि माध्योः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोहदयः शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वेदेवाः शान्ति। ये अठे भी आ गा। कादड़े की मौत आओ तो गांव का नहीं बचाओ, दादा हुकुम बचाओ। हुकुम, वो कहीं कर रहे हो आप? पगड़ी की रस्म बीच में छोड़कर जा रही हो। रस्म तो फिर भी हो जासी, पर जक्का लोग हमारे लिए जान दे रहा है, मैं वहां नहीं यही छोड़ दूंगे। लेकिन दादा हुकुम, वो तो ठीक है, लेकिन बहुत बड़ा अपशकुन हो जाओगे। आपकी सामाजिक जिम्मेदारी है पगड़ी। सगुन अब सगुन तो जीवन से जुड़े रहा है। आज मैं नहीं गयो ना तो असी पगड़ी की रस्मा बाका सगड़ा का गरम होसी। कहीं थे यही चाहो हो? हुकुम, वो कहीं कर रहे हो आप? भैरो, हाँ मैं भैरो, अपने खानदान रो असली वारिस। अब पगड़ी बंधेगी तो मारे सर पर। और पिया भी मैं बहुत दिनों से मौका की तलाश में हो, आखिर वो दिन आ गयो। और पिया भी ने बहुत हुकुम चला लिया हुकुम, अब तो सिर्फ मारो हुकुम चलेगो। सारे खानदान रो तो मैं नामो निशान मिटा दूंगा। क्यों, छोटे को मारा था ना हमारे, और हम पे भी हाथ उठाया तूने। अब आ रहा है मजा पेंडुलम बन के। और सुन, अभी बहुत जल्दी तेरी बीबी और तेरा बच्चा अपुन के आदमी लेकर आते ही चौगे। पहले करेगा कांड और फिर मंगवाएगा अपुन उससे भीख, समझा? भैरो, भाई होने के नाते एक राय दूं, सबने खत्म कर दे।
अगर मारा लहू की एक बूंद भी बचगी तो काल बनकर अवली और सबने खत्म कर देवेगी। हाँ भाई, मैं थारी अंतिम इच्छा पूरी करूंगा जरूर, क्योंकि मैं थारो छोटो भाई हूँ। और बिया भी कहावत है कि खून ही खून के काम आवे। कम्मा घड़ी। ना थे कुछ देखियो और ना मैं कुछ करियो। नई पगड़ी बनाओ, जशन को दिन आया है, बरसा पास दिवाली आई है। रामगढ़ दरबार की जय। घड़ी घड़ी खम्मा हुकुम, रामगढ़ के नया दरबार ने मारी घनी घनी खम्मा। शुरू करो। तुमने मार दियो, थे कुंवर ने लेर भाग जाओ। इतना दिना में करी रुखाली कुछ ना आयो हार, बाकी जवानी री फसल खड़ी थी ले गयो सगड़ी काट। जालम जुल्मी अत्याचारी बेदर्दी वो चोर कुजात, मैं भूलिया ना बर्बादी री काली रात। तो कुंवर है। हेलो मारू चढ़ हेली पे सुन जो, हेलो दुहाई कहवे सुन जो, रे काई ही आरी दुहाई कहवे सुन जो। खींच लो हिवड़े लकीर पाड़े भुकंदर टट करम रा, कह गयो एक फकीर आली जा, कह गयो एक फकीर। काई बोलो लाजद थाने जान पड़े लो ठाडे ठोर, इस बदल कर काल रात ने घर में बढ़ गयो चोर। घर में बढ़ गयो चोर आली जा, घर में बढ़ गयो चोर, घर में बढ़ गयो चोर आली जा, घर में बढ़ गयो चोर, 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 घर में घर में घर में घर में घर में बढ़ गयो चोर, घर में घर में घर में घर में घर में बढ़ गयो चोर, घर में घर में घर में घर में घर में बढ़ गयो चोर, घर में घर में घर में घर में घर में बढ़ गयो चोर। ताऊ जी, इतना सारा लोगा मा सु कोई भी आगे कोन आयो, पुलिस
सरकार कोई भी बी टाइम राजस्थान में सरकार तो राजा ही है। हालांकि कहने ने देश आजाद हो गो हो, लेकिन चलती राजा लोगों की। भैरव सिंह, पुलिस ने और मंत्री ने चोखा पिसा खोवा दिया है। जका लोग दाता हुकम को साथ दियो बने मार दियो गए, और जका बचगा वे डर के मारे आपकी जुबान बंद रखी। इतिहास का पन्ना में बा काली रात कुंवर कदे भी कौन लिखी गई। बी के बाद गढ़ पर और दाता हुकम की सारी जगह पर भैरव सिंह को कब्जा हो गो, और मुंबई को बंगलो बस यही बचा है। आंख पीछे भी वो हाथ धोकर पड़े है। बस अब तक तो मैं बूढ़ा हार्ड तनकर खड़ा हाँ, आगे क्या हो गो राम ही जाने। अब तो जकी गई है, बीने भी लेने को वक्त आ गए, गढ़ ने सम्मान दिलाने को वक्त आ गयो ताऊ जी। लेकिन कुंवर थे एकला हो, एकला काई करूँगा। आज भैरव सिंह मंत्री है, गुंडा पुलिस प्रशासन सब भी की जेब में है, और जिको मंत्री भी के सागे मिलोड़ो हो वो आज राजस्थान को गृह मंत्री है। वीरा भोगयंती वसुंधरा, काकोसा ने रमलरी बिसात बिछाई है तो खेलनो तो पड़सी ना। बैठो, अरे चलो। दादा तुझे तो अपुन ने टपका दिया था, पर सच्चाई का दे मरे को नहीं, बस थोड़ा सा समय के लिए दब जावे, और फिर मैं तो वो शेर हूं जो मौत ने भी अपनो शिकार बना ले वहां। पिछली बार अपुन ने तेरे को कुत्ते के माफिक टपकाया था, और ऊपर वाले ने इस बार फिर तुझे हमारे सामने हड्डी पसली तोड़वाने के लिए भेज दिया है। अपुन इधर का शेर है, और ये जो इलाका है ना वो पूरा अपुन का है, समझा मारवाड़ी। जंगल में शेर एक ही हो है बेटा, और बन चुनाव को नहीं हो है। तेरी औकात तो बीदी नहीं समझ में आ गई थी जत्थे पीठ में वार करया, पर आज मैं वह गलती को नहीं करूं। भाई चलो अब भागो, ये देखो चारों तरफ से घिर चुके हैं भाई। हाँ? ये देखो चारों तरफ राइफल ही राइफल। भाई मुझे मरने से डर लगता है भाई, चलो चुप। पठान अभी निकलते, इससे तो अपन फुर्सत में मिलेगा, समझा, चलो। भाग्या सगला, भाग्या सारा, भाग्या। खेल तो अब शुरू हो है। यो लियो मारो बिल। अरे मारी सोन चिड़ी, थाने भी बिल देना पड़ेगा। तो मुछा का तो देना ही पड़ से। अरे बावली, मैंने मुझ लगवाई नहीं तेरे से। अरे जो गीत के लगाई थी। ओ मारो बिल तो मैं थारे से वसूल कर ही लेशू। जे ना देऊं तो। यो तो इलू इलू करने से पहली सोचना था, इब तो थे फंस गया जिंदगी भर के लिए। हाय फंसने को भी अपनो ही मजो है। इब नेहा दीदी की भी सुन लियो। ए बावली के थारी मारी सेटिंग होगी बहुत है, और मने महंगी औरते मना है। अरे भगवान नेहा दीदी की सुन ले। हाँ। बेचारी दिन रात गीत भैया के ख्याल में खोई रहे है। वा कोई साहब तो मैं थका हाथा सुई करा सु। बेटा ध्यान है ना। हाँ हाँ, दो तीन दिन में खेल खत्म। तू आ कदरी हो। हाँ हाँ, मैं काल ही आ रही हूँ। थे तो दाता हुकुम की पगड़ी री रस्म है ना, जकी अधूरी रहेगी।
गुब्बी ने पूरी करने की तैयारियां शुरू करो। तैयारियां चालू है तो जल्दी आ जा। मैं थाने एक बात बोलूं, अगर थे बुरो ना मानो तो? बोलो ना। शायद ही कोई छोरी अपने शर्म के खोलने छोड़ के इसी बात कर सके हैं, मगर मने बेरो है, थे कोनी बोल छो, इलिए मैं ही बोल रही हूं। पहेलिया क्यों बुझा रहे हो? के कहनो चाहो थे? वो के? बोलो वो के? I love you. मनगी बात। की भैया थे भी बोलो। थे बहुत अच्छे हो, थे जी का भी होश हो, वो धन्य ही समझ सी खुद ने, पर की पर मैं थारे लाइक को नहीं, और मैं थाने कदे दोस्त सु ज्यादा समझो भी को नहीं। क्यों की हुई हो? थे अन्यथा मत लीजो, आई बात साची है। ये बिन किया समझाऊं कि मारी के मजबूरी है। बांको बेटो, सागर नाम है, आर्य है, याद करो वो दिन जब आपने दाता हुकम की पगड़ी की रस्म आधी रहेगी ही, बीच में छूट गई ही, बे दुश्मन आज सागर की भी जान लेबा के वास्ते गेल पड़ रही है। एक साल हो गयो मेरे भाई के कातिल का खोज तक को नहीं कर सकिया, मेरे भाई की आत्मा तड़प रही है, मैं बीको बारवो तक नहीं करियो, मैं जगन खाई कि जब तक मेरे भाई रे कातिल ने नहीं ढूंढ लूंगो बीको बारवो नहीं करूंगो। तुम चाहो के हो बीको बारवो नहीं करूँ? हुकुम जल्दी ठा पड़ जासी, ठा पड़ जासी, ठा पड़ जासी, कठा पड़ जासी। हेलो खम्मा घणी हुकुम। हाँ खम्मा घणी। एक खबर ही हुकुम। क्या? वो सागर दाता हुकुम रो छोरो है, पगड़ी री अधूरी रस्म पूरी करण वास्ते रामगढ़ आ रियो है। वाह हुकुम वाह, पगड़ी की रस्म, पगड़ी की रस्म के वास्ते आवेगो? अप्पा बीरी अर्थी री रस्म पूरी करांगा। हाँ खम्मा घणी, मैं तो बिरा खोज भी कोने निकाल सकिया और मैं पतो नहीं कर लियो। हुकुम कौन? कौन? अरे ज्यादा दिमाग चलाने की जरूरत को नहीं है, मैं जिया कहूं ये करो। जी हुकुम। पगड़ी की रस्म, अतेजा तेरी पगड़ी की रस्म तो मैं पूरी करूंगा। आज समय आया है रामगढ़ डालो, आज समय आया है आपका स्वाभिमान से जीवाड़ा नौजवाना को, बाज की पगड़ी की रस्म आधी अधूरी रहेगी है, बिना सागर पूरी करने के लिए आ रही हो तो अपन भी को साथ देनु है। हेलो क्या भाई? वो क्या है कि अपन को भी उससे अपना हिसाब किताब चुकाना ही है। हाँ अपन को भी एकदम सेम दाता ही लगाओ, डिट्टो दाता। पगड़ी वास्ते आ रहे हो? अब क्या है उसके सर में पगड़ी अपुनिच बांधेगा। कटेक हो गयो तू? खेल तो अब शुरू हो सी, तू पूछो हो ना मारी जिंदगी को मकसद? के मतलब? ओ है मारी जिंदगी को मकसद क्या?
मारा बाबूजी की आत्मा ने न्याय दिलानो या सब पापिया ने खत्म करनो। थारे साके बहुत बुरो होयो अगीत, पर एक बात मारे भी कोनी समझ में आई। क्या समझ में कोनी आयो थारे? जब थे नेहा ने चाहो तो माने ना क्यों कहया? तन्ने कुण क्यों मैं नेहा चाहूं? खुद ही तो बतायो, भूल गयो? राजेश, मारी जिंदगी को एक ही मकसद है। काई? और वो मैं तन बता दियो, भगवान ना करे मन कुछ हो जावे तो फिर ते ही बताओ मैं नेहा की जिंदगी क्यों बर्बाद करूं। पर यह बात साची है कि मैं नेहा ने बहुत प्यार करूं, पर कोई चाहने वाला अपने चाहने वाले की जिंदगी बर्बाद कर सकेगी? बहुत चर्बी है ना बीने, बोला थारा भाई ने, बोल के तने जरूरी काम है। धिक्कार है इसे भाई ने, जो अपनी बहन ने बचाने की जगह पर भेज दियो। थाने थारा पैसा मिल गया, अब कहीं जाओ होते। पैसा तो घड़ा है मारे पास, पैसा की कमी कौन है? मने तो वो आदमी चाहे जो मारो सगड़ो धंधो चौपट करियो, जिसकी वजह से मैं 6 महीना जेल में काटिया। एक एक पल बीने मारने री खातिर, बोला बीने, बोला। वो आ गयो तो थारी दुर्गति हो जासी। बुलाने तो, अरे बुलाने। हेलो भैया। हाँ राधा, बोलो भैया। हैं? भैया थे जल्दी आ जाओ, मने थारे से मिलना है, बंगलो नंबर 52 नई बस्ती। कोई नहीं थे, चिंता न करो, मैं आ रही हूँ। ठीक है भैया। अच्छा दे। अच्छा, बढ़िया बोला था, आया ही खुश रहो जिंदगी में। जिंदगी में खुश रहो बड़ी बात है, हैं? ओ कठिन चालियो, कुछ गड़बड़ है। आ तो बेकू मलाली जगह है। ओ तो यो है थारो शेर, यो वो शेर है जो मारो साम्राज्य तबाह करियो। बचा ना, बचा थारी भाण ने, बचा। देख मैं कहीं बेइज्जती कर रही हूँ तारी भाण रही। ओ माँ जी, बना। ओए छोड़े ही नहीं। छोड़ दे मारी भाण ने। अजब मारी खटी रावड़ी। छोड़ो बने। चल जेल जाकर भी कौन सुध रहे हो? तेरी तो भाण लगे चलो पीसा करी। मने माफ कर, मने माफ कर। भाई जी, भाई जी, भाई जी। क्यों यो? बहुत बुरो सपनो देखियो मैं, मने बठे कुछ गड़बड़ लाग रही है, मने काल ही देश निकलनो पड़सी। मैं भी चाल छू क्यों, अगर वो मारो प्रस्ताव स्वीकार कोनी किया, मारो प्यार तो कोनी कम हो गयो? जब से गए तब से मालो काजो धड़क रहे हैं। माता रानी बाकी रक्षा करिए। यह बात पक्की है? चलो रे जल्दी चलो, पठान सारी सेटिंग हो गया ना? कस्तूरी तिलकम ललाट पटले कौतुम नाशाग्रे वर मौक्तिगम करतले वेणुतले
कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपालाय नमोदरम तमोदयम गोपाल चूड़ामणि अलमचुतम राजा यस्तु संस्थापयेत्मन तस्य वासो मुनीन्द्रे नाकप्रस्थेन संशय दानवेन्द्रो महाबल ते तवाम अभिबध्नामि घणी घणी खमा जो आप अठे पधार मारा कुल रो मान राख्यो यारे शाणे, तेर को क्या लगा? पुलिस को बुला के तू दिन क्या भाई से बच जाएगा? अब क्या होगा तेरा? बोल, यहाँ अपुन की पूरी सेटिंग है। भी दिन तो तू बच गो, आज कुन बचाओ लो तने? आज तो मारा हाथ सु थारी जानी चली जाओली। थारी कोई आखरी इच्छा तो बता दे। ए मारवाड़ी, ए आवाज नहीं जीकर। हमारा बाबूजी ने धोखे से मारकर भीख में मिलोड़ी जिंदगी पर इतना कमड़ता कर ये थारी मुंबई को नहीं ये मेरा राजस्थान है जहाँ कोई तेरी गीदड़ धमकियों से डर जाएगा बाबूजी थाने जिंदो छोड़कर ही गलती करी ही ओ भतीजा लो आगो शिकार भी गलती ने तो सुधारने आयो हूँ जिकी 25 साल पहले थाने जीव तो छोड़ के करी भी मसाड़ में थारी चिता जलेगी जिमें 25 साल पहले तेरे बाप की जली थी वो दिन थारो हो तू तेरी मर्जी की कर ली आज मारो दिन है भगवान ने याद कर ले तन्ने कोई को नहीं बचा सके वो दिन भी मारो ही हो आज भी मारो ही है काल भी मारो ही हो सी सगली सरकार प्रशासन सब मारी मुट्ठी में है देवेगी दादा हुकुम
काका तन्ने कहीं लागे है? या थारी प्लानिंग है? आज सजला ने मैं बुलाया वही है ना दाता हुकुम का परिवार ने खत्म करवाड़ा थारा विश्वास पात्र है? थारा गुनाह की डायरी का मुनीम अब तो पगड़ी की रस्म पूरी होगी अब जिया तू दाता हुकुम का परिवार ने मारे बहुत आसान है तने मारबो संपत्ति पाची कर दूंगो मारी भी संपत्ति में तले दे दूंगो भतीजा मार मत मने तू बाबूजी वचन दियो हो थे तुम्हारा काको सा हो मैं थाने किया मार सकता पण ये जनता को काई करूं जैसी करनी वैसी भरनी Sonodec V.